दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी बैंक का बैलेंस कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर इसके अलावा कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर इसके अलावा कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से आपका बैंक बैलेंस बहुत ही आसानी तरीके से चेक हो जाता है। लेकिन आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है तब भी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो कैसे आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इसके जैसा हूबहू बहुत सारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि हमने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके ही आपको डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 मिलियन से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और इसका रेटिंग अगर हम बात करते हैं तो 4.2 रेटिंग दिया गया है। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो हम ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ओपन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर सभी बैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें यहां पर पॉपुलर बैंक्स दिखाया जाता है। जो भी पॉपुलर बैंक है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और जितना बैंक है यहां पर आपको ऑल बैंक्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का बैलेंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो इसके ऊपर हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कि इस एप्लीकेशन को आप लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेटिंग आ जाता है, तो इसको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं तो रेटिंग दे सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा चेक बैलेंस का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चेक बैलेंस का ऑप्शन। इसके करते ही दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिक कॉल लग जाता है, ये बैलेंस इंक्वायरी नंबर होता है, तो यहां पर आपका कॉल लग जाएगा, जैसे कि हमारा कट हो चुका है। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि यहां पर हमारा बैलेंस चेक हो चुका है। इस तरीके से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है आपके बैंक अकाउंट में उसमें भी आपका मैसेज आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कितना बैलेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां से किसी भी बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहां पर दूसरा बैंक आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो सभी बैंक का यहां पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो हमारा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, तो इसके ऊपर हम सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर चेक बैलेंस के ऊपर हम, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैसेज आ चुका है। इसमें ये लिखा है कि डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर पहले करना होगा तभी यहाँ पर अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो चेकिंग बैलेंस का ऑप्शन आया जिसमें यहाँ पर कुछ सेकेंड टाइम लिया है। चलिए इसको भी हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा बैलेंस चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा समय ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि SBI बैलेंस सर्विस का ऑप्शन एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करते ही दोस्तों यहाँ से अपना बैंक बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उसी बैंक का यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाता है। क्या फैसिलिटीज़ मिलता है चलिए उसको भी हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि हमारा जो बैंक है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करते दोस्तों यहाँ पर देखते हैं चेक बैलेंस के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें कि यहाँ पर बैंक ब्रांच मिल जाएगा, IFC कोड, बैंक हॉलीडे, यानी कि अगर आपको बैंक विजिट होना है और आप चेक करना चाहते हैं कि उस दिन आपका बैंक
ओपन है या नहीं है, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारा 15 जनवरी 2023 को बैंक क्लोज है, यानी ये संडे है। इसके आगे का डेट का भी देखना चाहती हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर बैंक का हॉलीडे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा महीना में कितना हॉलीडे है, कितना छुट्टी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, बैंक ब्रांच भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एटीएम कार्ड का भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर एटीएम आपके नज़दीक में कहाँ पर है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारा लोकेशन यहाँ पर आ चुका है। ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है कि आपके नज़दीकी में कहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन है। जो भी आपका बैंक होता है उसका एटीएम मशीन यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा फैसिलिटीज दिया गया है, तो इस तरीके से किसी भी बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।